संतोषी माता मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। भारत का राजस्थान प्रांत अपने शौर्य और दान वीरता के लिए जाना जाता है। राजस्थान की भूमि के चप्पे चप्पे पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। यही कारण है कि राजस्थान हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही हिंदू, बौद्ध, जैन तथा मध्यकाल से मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा मंदिर, स्तंभ, मठ, मस्जिद, मकबरे, समाधियों और छत्रियों का निर्माण किया जाता रहा है। इनमें कुछ भग्नावशेष के रूप में तथा कुछ सही हालत में अभी भी विद्यमान हैं। राज्य की राजधानी जयपुर हो या बीकानेर या कोई और नगर, श्रद्धालुओं के लिए आस्था के स्थल हर जगह मौजूद हैं। बीकानेर शहर के लक्ष्मीनाथ जी पार्क क्षेत्र में स्थित है संतोषी माता मंदिर। मंदिर में बने एक मंडप में अनेक देवी देवताओं के चित्र और छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ राम दरबार स्थापित है। राम दरबार में भगवान श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। राम दरबार में श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थित है। अनेक भक्त मंदिर में आकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। मंदिर में मंजीरे और हारमोनियम की धुन पर भजन कीर्तन किया जाता है। मंदिर में भक्तगण नाचते गाते और ताली बजाते हुए भजन कीर्तन करते हैं। बड़ी संख्या में लोग भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। भजन कीर्तन करने से मंदिर का वातावरण बहुत भक्तिमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही उस परम पूज्य शक्ति को महसूस करने के लिए मंदिर में आते हैं और भजन कीर्तन में लीन होकर भक्ति की गंगा में डूब जाते हैं। राम ही राम रचे रे, मेरो मन राम ही राम रचे रे, मेरो मन राम ही राम रचे रे। मंदिर के इस मंडप में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ है। मंदिर के एक गर्भगृह में मां संतोषी की मुख्य प्रतिमा स्थित है। मां की प्रतिमा को सुंदर लाल वस्त्रों से सजाया गया है। मां के एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है। मां संतोषी की प्रतिमा के पास मां की एक तस्वीर रखी हुई है। संतोषी माँ को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। भक्त जय माता दी का जयकारा लगाते हैं। संतोषी माता मंदिर में माँ सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित है। माँ सरस्वती को लाल वस्त्र पहनाए गए हैं। माँ के मस्तक पर सुनहरी मुकुट शोभायमान है। माँ सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन वीणा वादनी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। मंदिर में माँ सरस्वती की चतुर्भुज प्रतिमा स्थित है। माँ के हाथों में वीणा, पोथी
और माला दिखाई देती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा को कांच के मंडप में रखा हुआ है। मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की विधिवत आरती की जाती है। लोग बड़ी धार्मिकता से आरती में सम्मिलित होते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तगण बारी बारी अपने हाथों से देवी देवताओं की आरती करते हैं। मंदिर में आरती के समय ढोल बजाया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त हाथ जोड़कर सभी आराध्य देवों की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में भक्तों को आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता है। मंदिर में माँ संतोषी की बड़े भक्ति भाव से आरती की जाती है। माना जाता है कि माँ संतोषी आदि काल से सृष्टि में विद्यमान है। ये आदि शक्ति का ही एक रूप है। विभिन्न युगों में स्थायी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जैसे दीर्घकालीन साधनाएं की जाती रही हैं, वैसी आज के युग में नहीं की जाती। कलयुग में इच्छाओं और वासनाओं का रूप बदला है। आज आदमी की छोटी छोटी सांसारिक कामनाएं और समस्याएं हैं, जिनका तत्काल निदान पाने के लिए कम समय वाले छोटे छोटे अनुष्ठान किए जाते हैं और त्वरित फल देने वाले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जैसे हनुमान जी, भैरव जी, संतोषी माता इत्यादि। माँ संतोषी आदि शक्ति की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ये विघ्नहर्ता परम संतुष्ट गणेश जी की पुत्री और शिव शक्ति अर्थात शंकर और पार्वती की पौत्री हैं। संतोषी माता की प्रतिमा के ऊपर तीन छत्र दिखाई देते हैं। माँ की प्रतिमा के पास धूप जलती है, जिससे उनकी आरती की जाती है। मंदिर में उपस्थित भक्तों को आरती की धूप दी जाती है, जिसे लेकर वे अपने आप को पवित्र करते हैं। भक्तों के हाथों में पवित्र जल दिया जाता है। मंदिर में समय समय पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े आदर भाव से लोगों को भोजन कराया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता एक देवी हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को व्रत किया जाता है। संतोषी माता के पिता का नाम गणेश और माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की कृपा धन धान्य सोना चांदी और मूंगा आदि रत्नों से परिवार को समृद्ध करती है। इसलिए उनकी प्रसन्नता परिवार में सुख शांति लाती है तथा मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। संतोषी माता यदि प्रसन्न हो जाए तो वो शोक विपत्ति चिंता और परेशानियों को दूर कर देती हैं। सुख सौभाग्य की कामना से माँ संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम से संतोषी माता का 16 शुक्रवार तक नियमित उपवास करने से शीघ्र विवाह की कामना, व्यवसाय व शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। महिला व पुरुष दोनों ही एक समान ये व्रत धारण कर सकते हैं। इस व्रत में विशेष सावधानी ये बरतें कि इस दिन न तो खट्टी वस्तुएं खाएं और न ही स्पर्श करें। इस व्रत में केवल व्रतधारी के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए खट्टी वस्तु वर्जित मानी गई है। इसलिए घर में खट्टी वस्तु बननी ही नहीं चाहिए। खट्टी वस्तु का यहाँ तक प्रयोग वर्जित माना जाता है कि पूजा व घर में खट्टे फलों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
परिवार में ही नहीं बल्कि बाहरी व्यक्ति को भी इस दिन खट्टी वस्तु नहीं देनी चाहिए। मंदिर में संतोषी माँ के दर्शन करके आत्मा पवित्र हो जाती है। जय संतोषी माता की।